हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है ये चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। ये रीडिंग जर्नल है डियर कलेक्टिव है, जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना ही आपका होगा। और अभी 5-5 मिनट पे आपको ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगी, जिससे कि आप लोग जो हैं सारे क्वेश्चंस जो शॉर्ट देखने वाले हैं उनको भी सेटिस्फाइड हो, सारे क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि लंबी वीडियो आप देखते नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी जो है, आप दोनों जो है इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एंड आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के बारे में बहुत हद तक पता है। तो इंट्यूशन आपकी कहीं ना कहीं आपको गाइड ज़रूर कर रही है, एंड आप दोनों को गाइड कर रही है, क्योंकि आप दोनों जो हैं इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे पैटर्न रहे हों जहां आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक भी रहा हो, यानी ऑन ऑफ सिचुएशन हमेशा रहा हो। एक पार्टनर इमोशनल हो सकता है और एक पार्टनर जो है इमोशनली अनएबल हो सकता है, जहां कहीं ना कहीं टेंशन आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑलवेज बनी रही है। बिलीफ सिस्टम, आप दोनों के बिलीफ सिस्टम होते हैं प्यार को लेकर, आपके अलग बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं कि प्यार प्यार होता है बाकी कुछ नहीं। आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा कि प्यार जो है दुनिया और समाज के जैसा जिसे प्यार कहते हैं उसे प्यार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम अलग है, जिसके वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, मैरिड इंसान भी हो सकते हैं और अनमैरिड इंसान भी हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो डेफिनेटली टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली उनके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं कि शादी है तो शादी को बचाना ज़रूरी है, शादी है ट्रेडिशनल मैरिज है उसको तोड़ नहीं सकते, इस टाइप के बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर सिंगल भी है तो भी उनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकती है और प्यार के लिए उनका अलग ही सोच हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम के वजह से भी आपका प्यार जो है स्ट्रगल कर रहा है डियर। यहाँ कंपटीशन है, तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग है, जहाँ आपको ऐसा और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को पाना बहुत मुश्किल है, एक दूसरे को पाना लाइक अ कॉम्पिटिशन है, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत सारे हो सकते हैं और आपके पार्टनर के वो चाहने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, और दोनों के लाइफ में हो सकता है कि कोई अनदर रोमांटिक पार्टनर भी हो। तो एक कॉम्पिटिशन उन्हें फील होता है, आपको भी फील होता है कि ये प्यार नहीं, प्यार मीन्स आसान प्यार नहीं है, कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड लॉट्स ऑफ टेंशन ज़रूर है। ये आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली आपको तो कॉम्पिटिशन ही दिखेगा, और जो लोग सिंगल हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, वहाँ भी कॉम्पिटिशन, क्योंकि आपको चाहने वाले, आपके पार्टनर को चाहने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये आपके एक्स लवर यानी एक्स वाई जेड लवर भी हो सकते हैं। आप उस इंसान के बारे में देख रहे होंगे जो आपके एक्स वाई जेड रह चुके हैं, और जो लोग सिंगल हैं डेफिनेटली अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। जो लोग मैरिड भी हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं यहाँ देख सकते हैं चॉइसेस इन्वॉल्व है, जिसके वजह से आप और आपके पार्टनर लाइक अ प्लेयर के जैसे ही हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि ये थोड़ी रीडिंग बहुत ही ब्लंट है डियर, और हो सकता है कि आप इसको को निगेटिव लगे, लेकिन निगेटिव नहीं है, प्लेयर की एनर्जी है। प्लेयर का मन मीन्स
आपकी लाइफ में ऑप्शन, उनकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, और वो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। मैरिड इंसान ये हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं। अगर ये सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप दोनों जो हैं एक दूसरे से कमिटेड अभी नहीं है, या ना कमिटमेंट, यानी एक पार्टनर ऐसा ज़रूर हो सकता है जो कमिटेड नहीं होना चाहता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लास्ट नॉट अ लिस्ट कार्ड, एक कार्ड और लेंगे, डिवोर्स। तो आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। बहुत सारे लोग मैरिड इंसान के साथ हैं तो डिवोर्स से गुजर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। ये आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।